हेलो गाइस, ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप में से कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि आप आपकी डिफिकल्ट वाली बियर्ड स्टाइल कैसे मेंटेन करें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो बियर्ड स्टाइल है उसे कहते हैं आयरन मैन शेव। तो ये आयरन मैन शेव वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बियर्ड स्टाइल्स है, बहुत कम बार्बर्स भी इसे कर पाते हैं। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि ये आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप भी नॉर्मली घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, कम से कम आपकी फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली कम ही हो गई होगी। तो अगर आप ये कर जाओगे तो आप दुनिया के कोई भी बियर्ड स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एंगल्स है दोस्तों। देखिए, हर जगह पर एंगल है, यहाँ पर भी एंगल है, और बाद में ये भी देखिए, ये ऐसे टेपर होते जाता है ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ पे भी एंगल है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे एडजस्ट करोगे अगर आपको जानना है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको इक्विपमेंट कौन सा यूज़ करना है। आपको यूज़ करना है एक ट्रिमर, इसे कहते हैं ट्रिमर। ट्रिमर क्या होता है दोस्तों, कि इसमें ये एक ऐसे ब्लेड्स होते हैं। तो ये ब्लेड्स क्या होते हैं, ये they'll just move around like this, और बीच में कोई भी हेयर आता है तो वो कट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिमर। ये डायरेक्टली इस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे कट्स देने के लिए, ओके। ट्रिमर को एक गार्ड आता है, गार्ड आप इसलिए यूज करोगे कि अगर गार्ड आप यूज कर लिया और जो एक्चुअल ट्रिमर ब्लेड्स हैं वो और गार्ड के बीच में कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर का फासला हो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो ये आप हमेशा 6 मिलीमीटर के ऊपर रखिए, और ट्रिमर को ऐसे चलाते हुए आप बियर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हुए पूरे बियर्ड को एक लाइन में लाइए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द बेसिक। ये सबसे पहले आपको करना है। ये ऐसा है दोस्तों, जैसे कोई इमारत बनाने से पहले आप जैसे उसका या जमीन आप समतल करते हो, तो वैसे ही आपको यहाँ पे आपके बालों को समतल करना है। सो फॉर दिस यू यूज द ट्रिमर फॉर एट 6 मिलीमीटर वाला सेटिंग, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, तो ये सारे कट्स आपको कैसे लगाने हैं, तो ये फिर आप ट्रिमर से ही कर सकते हो या फिर इस टाइप के कोई रेजर से कर सकते हो। मैं आपको ब्रांड नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे वाले जितने भी रेजर्स होते हैं जिनमें नेक ऐसी मूवेबल होती है, तो ये आपके फैसिलिटी के लिए है, आप जल्दी शेव कर पाओ इसके लिए होते हैं, लेकिन कट देने के लिए ये बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि आप कट देने जाओगे तो हिलेगा। तो आपको एक तो स्टेबल नेक वाला चाहिए। अब स्टेबल नेक वाले बहुत कम ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल ब्लेड होता है, और उसमें भी स्पेस इतनी कम होती है कि 100% वो आपका जो बाल है वो इसमें जाके फंस जाएंगे और बाद में आपको क्लीन करना डिफिकल्ट होगा। और बियर्ड, जो भी लोग बियर्ड स्टाइलिंग करते हैं उनको पता होगा कि बियर्ड्स बहुत थिक होती हैं, और आप रेजर से तो नहीं उसके बाल नहीं निकाल सकते। सो बेटर है कि आप अपने डैडी से मांगिए इस टाइप का ओल्ड फैशन रेजर, यही दोस्तों आप यूज कर सकते हो स्टाइलिंग के लिए। या फिर वस्त्रा, वस्त्रा अगर आपको बहुत ही ओल्ड फैशन लगता है तो फिर इस टाइप का रेजर लीजिए, बट विदाउट अ प्रॉपर रेजर जिसमें बाल फंसे ना। इस टाइप के रेजर अगर आप लोगे तभी आप स्टाइल कर पाओगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको सारे बाल समतल करने हैं। मैंने 6 मिलीमीटर का सेटिंग बताया, आपको अगर और भी छोटे रखने हैं और ज़्यादा सही एकदम प्रोफेशनल कट चाहिए तो फिर 4 मिलीमीटर। उसके बाद आपको गार्ड निकाल लेना है और आपको ये करना है, देखिए एक कट आपको इस तरीके से यहाँ से मारना है और यहां से मारना है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप कट्स दीजिए तब आपको उल्टी पकड़नी है मशीन इस टाइप से और ऐसे चलानी है। ये मैं ऐसे पूरा पूरा ऐसा नहीं चला रहा हूँ, ऐसा पूरा स्किन को टच करते हुए नहीं चला रहा हूँ दोस्तों, मैं इसे चलाते हुए देखिएगा, मैं अगर ये स्किन है मेरी तो मैं ऐसे नहीं चलाता कभी। आई विल ऑलवेज बी वर्किंग इट अराउंड लाइक दिस। ये टिप इसकी टच करनी चाहिए आपके स्किन को, ऐसे पूरा बेस इसका नहीं टच करना चाहिए। यू विल नेवर बी एबल टू गेट अ गुड कट, इससे आपको कट मिलेगा, ठीक है। सो ऑलवेज जस्ट टच द ब्लेड्स, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, आराम से कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका, उसके बाद ये वाला कट कर दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये और ये हमेशा यहाँ पे एंगल होना चाहिए, ऐसा गोल नहीं घूमते आना चाहिए। आयरन मैन का शेव में यही स्पेसिफिक है दोस्तों कि आपको बहुत सारे कट्स देने हैं, ठीक है, बहुत सारे एंगल्स देने हैं। जैसे यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, फिर यहाँ पे भी, एक्चुअली तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनना चाहिए, ये ऐसे और ऐसे आना चाहिए, ठीक है। आप कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो मैंने जैसे किया वैसे सिंगल ऐसे कर दीजिए, दैट्स ऑल्सो ओके।
बट नीचे भी एक वी है, अगर आप देखेंगे इट्स बेसिकली अ वी। तो ये आपको करना है। तो सबसे पहले आपको ये बाहर से आपने ले लिया ये एंगल, वैसे ही इधर साइड से लीजिए, हमेशा सिमेट्री मेंटेन कीजिए। इधर से थोड़ा किया, इधर भी थोड़ा करना है, ऐसा नहीं कि एक साइड पूरी कर दी उसके बाद में मैच करने की कोशिश करो, वो कभी मैच नहीं होगा। यदि बहुत डिफिकल्ट है, आपकी एक्सपर्टीज मुझसे ज़्यादा होगी तो बात अलग है, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट इट। तो पहले इधर का ले लिया, फिर इधर का ले लिया, डन, ओके। अभी आपका जो बियर्ड है वो सबसे पहले तो यहाँ से एंगल में काटिए इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक काट लीजिए, ठीक है। ये भी ऐसे कट कीजिए और यहाँ से यहाँ तक काट लीजिए। उसके बाद में ये जो है इसे ऐसे कट कीजिए, ताकि ये बहुत थिक भी अच्छा नहीं लगता है, इसे थोड़ा सा यानी थोड़ा थिन कीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है। और एंड शुड ऑलवेज बी अ ट्रायंगल, हर जगह पे एंगल है दोस्तों। देखिए ये ऐसा है, यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी नोक निकली हुई है, ऐसा है, और फिर ऐसे अंदर जाता हुआ ऐसा, समझे आप। तो देखिए फिर से एक बार समझाता हूँ, ये फुट के जैसा लगना चाहिए, ये ऐसा हील आपका बाहर निकला हुआ, ये आपके टोज, फिर ये टोज अंदर आ गए, और बाद में ये स्प्रे, समझे आप। आपको ऐसे 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 और ऐसे लेके जाना है। सो दिस इज हाउ, इन्हें कहते हैं बाय द वे कल्ले, अगर आप प्रॉपर बाबस वाली लैंग्वेज में बात करें तो इसे कल्ले कहते हैं। यू शुड नो दैट वोकैबुलरी एज वेल। ऐसा ही इधर कर लीजिए, सिमेट्री मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ गया था, इसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, अंदर वाला ज़्यादा डिफिकल्ट है, डोंट गो फॉर अंदर वाला शेप एट द मोमेंट। आप ये पहले एडजस्ट कर लीजिए, और एंगल देने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, आपको विजन इल्यूजन जो होता है ना ये पता होना चाहिए। देखिए ये एक्चुअली एंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज एक्चुअली कर्व्ड, इट इज़ लाइक दिस, ओके, इट इज़ लाइक दिस, लेकिन ये जब सामने से आप देखोगे ना तो इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, समझे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कभी भी ना अगर अभी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये हल्का सा ऐसा कर्व है, ओके। और ये जो है नीचे वाला, ठीक है आप स्ट्रेट रखिए, लेकिन ये वाला आपको कर्व ही रखना है। अगर आप स्ट्रेट रखोगे ना तो यहाँ पे आपको राउंड लगेगा, या ये जो एंगल है ना ये आपको राउंड दिखेगा अगर आप स्ट्रेट रखोगे, तो इसलिए आपको हल्का सा ऐसा कर्व करना है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, इतना भी नहीं कि लोगों को समझ में आ जाए कि इट्स अ कर्व। ये इल्यूजन है दोस्तों, देखिए ये आंखों का धोखा है, और आपको उतना ही धोखा करना है जितने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर बहुत ज्यादा करोगे तो वो अजीब सा लगेगा, बिल्कुल हल्का सा। तो इससे पॉइंटेड एरोज भी, देखिए आप जब ड्रॉ भी करते हो ना एरोज, तो अगर आप थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करेंगे ना तो वो पॉइंटेड एरो लगता है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे हल्के से ऐसा घुमा देना है, ठीक है। ये जो नीचे वाला है ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आते आते यहाँ पे आप थोड़ा घुमा सकते हैं, ठीक है, समझे आप। तो जहाँ पे नोक बनानी है ना आपको, वहां पे आपको एरो ऐसे ऐसे सीधे सीधे नहीं ज्वाइन करना है, आपको थोड़ा सा ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं ज्वाइन करना है, थोड़ा सा ऐसा ज्वाइन करना है, तो वो एंगल आपका ज्यादा अच्छा लगेगा। ये एक टिप है मेरी। अब ये सेम टेक्निक आप हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि बाकी हर जगह पे ऐसा करने लग जाओगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, तो डोंट डू इट। सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाले एंगल्स आपको डेफिनेटली ठीक से आने चाहिए। तो ये पहले आप बना लीजिए, और ये बिल्कुल पहले तो आप ऐसे मेजर कर लीजिए इफ़ यू वांट कि देखिए यहाँ से यहाँ तक अच्छा इतना है, यहाँ से यहाँ तक इतना है, मार्क दोज पॉइंट्स समहाउ एंड देन डू इट, ठीक है। लेकिन ये एकदम सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये बहुत सिमेट्री का बहुत खेल है इस बियर्ड में। ये हो गया, ओके, तो आपको ऐसा हो गया, ये वाला ऐसा हो गया, ठीक है। अब नीचे पे आ जाइए, नीचे में आपको एक वी देना है। देखिए ये मैं नीचे बता रहा हूँ, इट्स अ वी लाइक दिस, ओके, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ वी, और यही इस बियर्ड की खासियत है, इसमें बहुत सारे एंगल्स है, और दैट इज वॉट लुक्स गुड इन दिस बियर्ड। हर एक एंगल आपको देखना है, तो आपको ऐसा एक वी दे देना है, ठीक है। तो बाहर से आपका पूरा कट हो गया, अब बाकी जितना एक्सेस है यहाँ के बाल वगैरह ये सारे निकाल दीजिए, ठीक है। नाउ यू विल गेट अ फील कि बेसिकली आपका बियर्ड कैसा शेप हो रहा है, ठीक है, डन। अब क्या बचा है, सिर्फ अंदर वाला पार्ट। अंदर वाला पार्ट करने के लिए आपका जो बिना मुंडी हिलाने वाला रेजर है वो आप लीजिए, और जितना छोटा होगा ये वाला हिस्सा उतना बेटर है। जैसे अगर आप इससे काम करोगे तो और भी बेटर है, इससे भी अगर छोटा है आपके पास और भी अच्छी बात है, वस्त्र है तो उससे तो बेटर और कुछ नहीं है।
तो आपको क्या करना है कि इसे सिर्फ यहां से ले जाके यहां तक लेके जाना है, समझा? यहां से यहां तक, दैट्स इट। ये भी यहां से यहां तक, दैट्स इट। बहुत ज्यादा कम मत कर देना, क्योंकि ये थिक ही होनी चाहिए बियर्ड और ये प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ये थोड़ा कम होना चाहिए। तो ये थिकनेस इसकी ज्यादा होती है सामने से देखते हुए, और आप काफी बार ऐसे सर नीचे करके रहते हो तो दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे चली गई, तो ये प्रोमिनेंट होनी चाहिए। आपका जो जॉ लाइन होती है दोस्तों, ये जॉ लाइन के थोड़ी आधी ऊपर आधी नीचे इस टाइप से होनी चाहिए ये बियर्ड। याद रखिए जॉ लाइन, देखिए हर एक बियर्ड की खासियत क्या होती है कि आपके जॉ लाइन को वो प्रोमिनेंट दिखाती है। जॉ लाइन ज्यादा मस्कुलाइन लगती है अगर जॉ लाइन आप दिखाते हो। देखिए फोटोज भी मैं आपको समझाता हूँ, मैं सामने से ऐसे दिख रहा हूँ आपको, ये फोटो ज्यादा अच्छी नहीं आती है, लेकिन अगर मैं ये वाला एंगल दिखाता हूँ जिसमें मेरी जॉ लाइन दिखती है और जिससे ये वाला कर्व दिखता है आपको, तो दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ दैट यू कैन हैव। ठीक है, ये मेल्स में लोगों को नहीं समझ में आती है चीजें, लेकिन जितनी भी लड़कियां होती है, देखिए वो पाउट करते हुए थोड़ा सा चेहरा ऐसा करती है। डिड यू एवर रियलाइज कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड ऐसा क्यों करती है? द रीजन इज कि दे ऑलरेडी नो कि किस एंगल में उनका फेस सबसे अच्छा लगता है। तो ये वाले एंगल में सबसे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जॉ लाइन और जितने कर्व्स होते हैं आपके फेस पे वो प्रोमिनेंटली समझ में आते हैं। और जितने फैट लोग होते हैं, अब मैं भी थोड़ा फैट होने लगा, तो फैटनेस का मेन प्रॉब्लम क्यों है, आपको फेस ऐसा क्यों लगता है? सी दिस इज नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपकी बॉडी आप अच्छे तरीके से कैसे दिखा सकते हो ऑन कैमरा। तो फैट का क्या मतलब है, देखिए कई सारे एक्टर्स भी ये करते हैं कि अगर यहाँ पे फैट है जैसे ऐसे है आप, तो नॉर्मली उन्हें कहा जाता है कि आप जॉ ओपन करके शूट कीजिए, यानी ऐसे मत रखिए, ऐसे ऐसे बात कीजिए, ठीक है, समझे आप? तो ये यहाँ का जो फैट है वो थोड़ा सा चीक्स के अंदर चले जाएगा और आप ज्यादा सही आपका फेस दिखेगा। तो आप समझ में आ रहा है आपको कि ये जो पार्ट है ये यहाँ पे जॉ लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे फैट के वजह से अगर जॉ लाइन गायब हो गई तो वो ठीक नहीं लगेगा। आप शूटिंग के दौरान थोड़ा सा एंगल दीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और खास तौर पे बियर्ड बनाते हुए भी आपको ये जॉ लाइन को प्रोमिनेंट दिखाना है। तो इसलिए ये जो पूरा है ना ये जॉ लाइन के ऊपर घूमता है, और जॉ कैसा है आपका वी आकार में, तो ये भी वी आकार में घूम रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये भी देखिए ये यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है क्योंकि आपके जॉ के ऊपर घूम रहा है भाई। इसे स्ट्रेट लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल मत कर देना, इसे ऐसे रखना क्योंकि आपकी जॉ ऐसी घूम रही है ना, तो जॉ के ऊपर से घुमाना, समझे आप? जॉ के 50% ऊपर है 50% नीचे है, तो दिस इज हाउ योर जॉ गोज। ओके, चलिए ये हो गया। बाद में आता है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस कि आपको ये कैसे करना है। देखिए ये अगर आप देखेंगे ना तो ये नोक बनी हुई है, ये ऐसे टेपर होते जा रही है। तो देखिए मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि डोंट ओवर डू इट। अगर आप ओवर डू करना चाहोगे तो वो फिर कम 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 छोटी छोटी होती जाएगी, तो डोंट ओवर डू इट। बस इतना देखिए कि यहाँ आपके लिप्स खत्म हो रहे हैं, तो लिप्स से थोड़ा सा 45 डिग्री का एंगल ले लीजिए और थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर तक नीचे जाइए, और यहाँ पे उनकी नोक आनी चाहिए, मार्क कर लीजिए किसी तरीके से, ठीक है? और फिर आपने ऑलरेडी ऐसा एंगल दे दिया है तो अंदर से आपको एंगल ऐसे देना है, ऐसे नहीं कि ऐसे करना है, ऐसे थोड़ा एंगल देना है ताकि ये यहाँ खत्म हो। अगर ऐसे कर देंगे तो खत्म ही नहीं होगा कभी, है ना? तो ऐसे करके देना है। तो पहले पहल क्या होगा कि योर मुस्टैश एंड योर बियर्ड विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर ओवर हियर, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मेरा भी ऐसा ही होता है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो पहले ये सारी शेप्स आप मेंटेन कर लीजिए ठीक से, ठीक है? उसके बाद ये जो है ना, ये दिस शुड बी एन एंगल लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। तो ये मुझे भी नहीं आता है, तो मैं नॉर्मली इसे स्ट्रेट कर देता हूँ, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपने एक्चुअली ऐसे और ऐसे, यानी यहाँ पे भी एंगल होना चाहिए, समझे आप? और अगर बहुत ही एक्सपर्ट हो तो फिर ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल मैच होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ उसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं ना, पैरेललोग्राम बनना चाहिए यहाँ पे, समझे? अगर हो सके तो कीजिए, नहीं होता है तो मेरे जैसा स्ट्रेट कर दीजिए, मुझे भी ज्यादा नहीं आता, ठीक है? अब हो गई ऑलमोस्ट आपकी बियर्ड रेडी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस बियर्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे गैप होती है दोस्तों, मुस्टैश एंड बियर्ड आर नॉट कनेक्टेड। तो ये आपको कैसे करना है, यानी मुस्टैश एंड बूटी आर नॉट कनेक्टेड, यू शुड से। तो ये कैसे करना है, तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों।
आपको ऐसे कट लेना है, लेकिन बिल्कुल एक्सपर्टी से आपको कट करना है ये, क्योंकि ये देखिए इतनी सी गैप है, इतनी सी गैप में ऐसा रेजर आप रख के ऐसे घुमाओगे ना तो बहुत बड़ा गैप बन जाता है। तो आपको बिल्कुल ही एक्सपर्टली ये करना है, ये आप इतनी डेक्सटिलिटी आप में आ जाती है ओवर टाइम। पहले पहल तो आप इतना ही कीजिए, ये जॉइंट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी लगती है, इट्स नॉट अ कंप्लीट आयरन मैन बियर्ड, लेकिन ठीक है, आपकी भी एक अलग यूनिक स्टाइल हो जाएगी वो, क्योंकि काफी एंगुलर हो गया ना, यहाँ पे आपने नोक बना दी, यहाँ पे नोके हैं, तो इट विल स्टिल लुक गुड। लेकिन जब आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी, आपकी डेक्सटेरिटी बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर आप ऐसे रख के थोड़ा सा ऐसा घुमा दीजिए, हार्डली हाफ सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर भी नहीं, 0.4 या 0.3 सेंटीमीटर से आप ऐसा घुमा दीजिए, तो ये ऐसा दिखना चाहिए। और फिर ये नोक जो है, अगर आप और भी एक्सपर्ट, देखिए मैंने भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन आप फिर भी एक्सपर्ट हो तो आप इस नोक को और थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए। लेकिन देखिए ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है, ये नोक एडजस्ट करते करते ना वो नोक इतनी छोटी हो जाती है कि फिर वो आयरन मैन शेप रहती नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नोक यहाँ तक होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। तो अगर नहीं एडजस्ट होती है तो डोंट वरी अबाउट इट, कम से कम ये प्रोमिनेंटली दिखना चाहिए कि यहाँ तक बियर्ड है आपकी। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल शेव एन आयरन मैन बियर्ड, आप बना सकते हो आपका जो भी स्टाइल है। अगर ये स्टाइल आपने सीख लिया तो दुनिया का कोई भी स्टाइल आप कर सकते हो। देखिए और क्या गूटी की स्टाइल्स होती है, आई विल टेल यू। सी गूटी कैसा होता है, ऐसे होता है, कुछ लोग इसको भी कर्व कर देते हैं, मुझे तो नहीं ज्यादा पसंद है, लेकिन सी देखिए मैं आपके फ्री विल के बीच में नहीं आता हूँ, अगर आपको वैसे बनाना है वैसे बनाइए। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि जो भी आपकी बियर्ड स्टाइल है, आप अपने जॉ लाइन को प्रोमिनेंट कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने एंगल बना सकते हो उतना एंगल बनाइए, क्योंकि एंगुलर लुक्स बेटर ऑन योर फेस। भले आपका कैसा भी फेस है, लोग कहते हैं कि राउंड फेस, स्क्वायर फेस, जो भी है, लेकिन सी एक चीज मैंने मार्क की है कि अगर बियर्ड स्टाइल करनी है तो वो एंगुलर ही होनी चाहिए, तभी वो अच्छी लगती है। गोल वाली बियर्ड स्टाइल भी लोग रखते हैं, लेकिन खैर मुझे पर्सनली तो पसंद नहीं, लेकिन आपका फ्री विल है, आपको जैसे करना है वैसे कीजिए। सो दिस वाज अ जस्ट ऑफ हाउ टू शेव ड्यूरिंग लॉकडाउन, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आपके दोस्तों को भी बताइए कि गाइड कीजिए एक दूसरे को, क्योंकि हम लोग सभी अभी प्रेजेंटली लॉकडाउन में हैं, तो आई एम श्योर ये वाला प्रॉब्लम तो हर किसी को फेस कर रहे होंगे लोग। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम।